Hey guys, welcome back to my YouTube channel, and in this video we're gonna study the Gilford theory of intelligence. So if you haven't subscribed my channel till yet, please subscribe it now. Guys, इस वीडियो में हम आपकी गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको सबसे जल्दी और आसानी से मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, सो गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस वॉज गिवन बाय जे पी गिलफर्ड। फुल नेम इज जॉय पॉल गिलफर्ड, राइट। ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका अराउंड 7 March 1897 एंड पास अवे ऑन 26 November 1987। सो जेपी गिलफर्ड वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बेस्ट रिमेनिंग फॉर हिज साइकोमेट्रिक स्टडी ऑन ह्यूमन इंटेलिजेंस इंक्लूडिंग डिस्टिंक्शन बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, राइट। सो बेसिकली गिलफर्ड इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कन्वर्जेंट थिंकिंग एंड द डाइवर्जेंट थिंकिंग। सो इन दिस वीडियो वी गोना स्टडी द गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सो लेट्स सी व्हाट आर द मेन एस्पेक्ट ऑफ द गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सो गिलफर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट इन अराउंड 1967, राइट, and he was argued that the intelligent consists of the two dimensional rather than the unidimensional. So Gilford argue करते हैं कि जैसे जो अभी तक थ्योरी पढ़ी थी उनसे पहले रिसर्च वालों ने जो बताया था कि जो आप इंटेलिजेंस होती है वो आपकी यूनिडायरेक्शनल होती है, या फिर आप कह सकते हो यूनिडायमेंशनल होती है, तो उन्होंने इसको बिल्कुल ही मना कर दिया कि ये यूनिडायरेक्शनल नहीं हो सकती है, इट शुड बी ऑन द मल्टी डायमेंशनल और यू कैन से थ्री डायमेंशनल। सो गिलफर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट ऑन अराउंड 1967, राइट। These are the basic point I am going to show you, right? And the theory had not started till yet. So Gilford argued that in 1967 that intelligence consists of 120 different factor, right? Different factor and independent skin, which later on he expanded it to the 150, राइट right? पहले उन्होंने कहा कि जो इसके फैक्टर कंसिस्ट करते हैं वो आपके कितने हैं, 120 डिफरेंट फैक्टर होते हैं और इंडिपेंडेंट स्किल होती हैं। आफ्टर दैट उन्होंने 120 को एक्सपेंड कर दिया था कितने में, 150 में, इन 1988। गाइज रिमेंबर दिस ईयर, इन 1988 ही प्रपोज दैट कि ऑल्थो 150 इज नॉट सुटेबल ही एक्सपेंडेड टू द 180, राइट। दिस इज द मेन एंड द रीजनल एस्पेक्ट ऑफ द गिलफर्ड थ्योरी ऑफ द इंटेलिजेंस। सो ही इन 1988 ही एक्सपेंड हिज 150 और यू कैन से 150 फैक्टर्स और इंडिपेंडेंट स्किल टू द 180 स्किल्स। नाउ व्हाट डिड ही से, ही से दैट द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आर डिवाइडेड इनटू द मेनली थ्री कैटेगरीज। सो द थ्योरी इज स्टार्टेड नाउ। सो ही सेड दैट इंटेलिजेंस, सो इंटेलिजेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज। फर्स्ट you can say that is content, second is your product, and third one is your operations. So in this theory Gilford explained that inside the content there is five proportional, inside the product there is also five proportional, and inside the operation there are total six proportional, that is 5 5 and 5. So if you multiply 5 multiply by 5 multiply by 6, it's eventually come into the 180, right? So what are the factor? Let's see. So before seeing the factor, let's see a figure that is gonna describe you the intelligence or the diagrammatical picture of the Gilford theory. So this is the picture that Gilford has been talking about. So Gilford कहते हैं कि जो आपका content है उसमें आपके 5 proportional होते हैं, product में also 5 proportional होते हैं, और operation में 6 proportional होते हैं, 6 operation होते हैं आपके। So ये operation क्या क्या हैं और इनको कैसे कैसे हमने describe करा है, चलिए एक बार देखते हैं। So this is how we gonna see this intelligence, Gilford theory of intelligence, right? So let's talk about their sub factor, that is first is our, guys हमारा सबसे पहला part है अगर आप देख रहे हैं operation, right? So operation, so operation में अगर हम first part की इसके sub parts की बात करते हैं तो operation में आपका सबसे पहला part cognition, right? So cognition देखते हैं, what do you mean by cognition?
So what do you mean by cognition? Cognition is the ability of an individual to recognize a thing. कोई भी चीज को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं तो हमारे मेंटल में, हमारे माइंड में एक मेंटल प्रोसेस गोइंग ऑन रहता है कि इस चीज को हम परसीव कर रहे हैं, इसकी क्या रीजनिंग है, इसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, इसकी क्या क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, राइट? सो एन एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज ए थिंग इज कॉल्ड योर कॉग्निशन. सो कॉग्निशन क्या है कि वो एबिलिटी किसी भी इंडिविजुअल की जो कि उसको रिकॉग्नाइज करती है मेंटल प्रोसेस के थ्रू, उसको हम क्या कहते हैं, कॉग्निशन एबिलिटी. सेकंड आपका प्रोसेस है, राइट, सेकंड आपका होता है यहां पर मेमोरी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी? मेमोरी में गाइस अगर आप देखेंगे यहां पर इस पार्ट को, यहां पर इन्होंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया था. ये जो आपकी मेमोरी है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड करा है, दैट इज मेमोरी रिटेंशन एंड मेमोरी रिकॉर्डिंग. मेमोरी रिकॉर्डिंग एंड मेमोरी रिटेंशन. अदरवाइज गाइज आप देख रहे होंगे ये टोटल फाइव पार्ट्स है, राइट? ये टोटल फाइव है, लेकिन मेमोरी को फर्दर हमने डिवाइड करा था इन्होंने किस किस में, आपकी मेमोरी रिकॉर्डिंग में और मेमोरी रिटेंशन में. अब गाइज आप देख रहे होंगे तो ये टोटल सिक्स हो गए हैं और ऊपर वाले दोनों क्या हैं आपके, फाइव फाइव. दिस वन इज ऑल्सो फाइव एंड दिस वन इज ऑल्सो फाइव, राइट? सो मेमोरी की देखते हैं. मेमोरी सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी मेमोरी रिकॉर्डिंग की, राइट? सो मेमोरी में यहां पर मैं लिख देता हूं यहां पर मेमोरी रिकॉर्डिंग. सो व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी रिकॉर्डिंग? मेमोरी रिकॉर्डिंग मीन्स, इट मीन रिटेंशन ऑफ व्हाट इज रिकॉग्नाइज फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. दैट इज, इट इज ऑल्सो रेफर टू योर शॉर्ट टर्म मेमोरी. वो सारी चीजें जो हमारी मेमोरी बहुत छोटे समय के लिए रहती है, दैट इज कॉल्ड मेमोरी रिकॉर्डिंग. सो गाइज मेमोरी रिकॉर्डिंग को आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी भी कहते हैं. सेकंड इसका था मेमोरी रिटेंशन, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय मेमोरी रिटेंशन? मेमोरी रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ एनी थिंग दैट यू परसीव फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड मेमोरी रिटेंशन. वो सारी चीजें जो हमारे माइंड में लंबे अंतराल तक, और यू कैन से कि लंबे टाइम तक रहती है हमारे माइंड में, उनको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट? सो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं गाइज, इसे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी भी कहते हैं. मेमोरी रिटेंशन को आपको कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी, और मेमोरी रिकॉर्डिंग को आपको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी. नाउ नेक्स्ट देखते हैं, अगर आप गाइज देखेंगे तो उसमें दे रखा है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग, राइट? सो नेक्स्ट दैट इज योर थर्ड, और यू कैन से फोर्थ पॉइंट अकॉर्डिंग टू द डायग्राम, दैट इज योर थर्ड. थर्ड इज योर डाइवर्जेंट थिंकिंग. सो वॉट डू यू मीन बाय द डाइवर्जेंट थिंकिंग? डाइवर्जेंट थिंकिंग मीन सीकिंग फॉर द वेराइटी एंड नॉवेलिटी. जब हम किसी चीज को उसके, अगर कोई प्रॉब्लम है उसको हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको सॉल्यूशन खोजते हैं, राइट? वी हैव टू फाइंड द डिफरेंट वे ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सिंपल प्रॉब्लम, दैट मीन वी आर थिंकिंग, एंड द थिंकिंग इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग. जब हम एक प्रॉब्लम का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम सॉल्यूशन खोजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग. एंड गाइज डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम किससे रिलेट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी से, राइट? सो लेट्स सी व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्जेंट थिंकिंग. सो गाइज डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम किससे रिलेट करते हैं, आपकी क्रिएटिविटी से भी रिलेट करते हैं, राइट? सो फोर्थ आपका क्या होता है, फोर्थ आपका पॉइंट इसमें दे रखा है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग, दैट इज. नाउ वॉट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंट थिंकिंग? कन्वर्जेंट थिंकिंग इज वॉट वी एक्सेप्ट, वॉट इज कन्वेंशनली एक्सेप्टेड, राइट? दैट इज जनरल जनरेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट इज कन्वेंशनली एक्सपेक्टेड एंड इट डिटरमाइन अवर रेस्पॉन्स. सो वो सारी चीजें जो कि हम कन्वेंशनली एक्सेप्ट कर लेते हैं बिकॉज ये हमें एसोसिएशन क्या है कि इसका एसोसिएशन किससे है, जर्नल से है. दैट मीन कि ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, आपको जर्नली से आपको मिली गई हैं. सो व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंट थिंकिंग? कन्वर्जेंट थिंकिंग मीन्स जो इंफॉर्मेशनल आपको कन्वेंशनली एक्सेप्टेड करी गई है थ्रू जर्नल जनरेशन के थ्रू, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय जनरेशन, राइट? कि सपोज अगर मैं बात करूं कि अगर आपकी मदर कहती है कि चप्पल के ऊपर चप्पल नहीं रखनी चाहिए, राइट? सो आपको उसका लॉजिक नहीं पता है. अगर आप अपनी मदर से भी पूछेंगे तो भी उनको उसका कोई भी लॉजिक या फिर कोई उसकी रीजनिंग नहीं पता है. बट चूंकि उनकी मदर ने भी उनको बताया था कि चप्पल के ऊपर चप्पल नहीं रखती है, तो ये सारी चीजें क्या आ रही हैं, एक चली आ रही हैं, राइट? सो
अगर आपसे कही जाए कि कोई भी चीज जो कि आपको जो इंफॉर्मेशन आपको है वो आपकी क्या है, जनरेशन ऑफ इंफॉर्मेशनल जो कि कन्वेंशनली एक्सेप्टेड करी जाती है, वो हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट थिंकिंग, राइट। जो कि हमने जनरलाइज उनको मान लिया है कि या दिस इज द ओनली वे दैट इट शुड बी डन। सो व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जेंट थिंकिंग? दैट इज जो कि इंफॉर्मेशन हमें कन्वेंशनली एक्सेप्टेड कर ली है, या फिर क्या है कि जो इंफॉर्मेशनल हमने मान ली है उनको हमने कोई रीजनिंग नहीं करी है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको क्या है, जनरेशन से थ्रू प्रोवाइड करी जा रही है, उसको हम क्या कहते हैं, आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग। और ये क्या है, ये हमारा रिस्पॉन्स रहता है, राइट। रिस्पॉन्स को कैसे शो करता है कि दैट वट एवर इज द गिवन टू अस वी शुड एक्सेप्ट इट, राइट। वो हमने क्या कर लिया है, वो हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। सो फिफ्थ पॉइंट की ओर देखते हैं। सो फिफ्थ पॉइंट आपका होता है दैट इज इवैल्यूएशन। सो फिफ्थ पॉइंट आपका है इवैल्यूएशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन इज लाइक कि जो भी चीज आपने जिस भी आपने प्रोसेस में सर्वे करा है उसको इवैल्यूएट करना, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है उसको एक पर्टिकुलर डिसीजन पे पहुंचना कि ये जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ये सही है या फिर गलत है, उसकी पूरी और जजमेंट करना और अपने आप को सेटिस्फाई करना कि हाँ कि ये जो इन्फॉर्मेशनल हमें मिली है वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। सो व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन मीन्स रीचिंग डिसीजन और मेकिंग जजमेंट कंसर्निंग एंड क्राइटेरिया और यू कैन से सेटिस्फैक्शन ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, दैट इज अवर इवैल्यूएशन। सो जस्ट राइट इट डाउन, व्हाट डू यू मीन बाय इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन इज, सो दैट इज अवर इवैल्यूएशन। सो गाइज एक बार दोबारा देख लेते हैं कि क्या क्या आज आज हमने पढ़ा है इस वीडियो के थ्रू। आपको मैंने बताया कि जेपी गुलफर्ड थे जिन्होंने गुलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा था। इन्होंने मेन ये क्यों फेमस है, क्योंकि जो इन्होंने थ्योरी दी थी वो उन्होंने जो उससे पहले जो अभी तक रिसर्च चल रही थी उसमें बिल्कुल ही उनको मना कर दिया था कि दैट मीन कि जो आपने अभी तक जो रिसर्च करी है वो एकदम यू कैन से अपसाइड डाउन कर दी थी, जब इन्होंने कहा कि जो आपकी इंटेलिजेंस है वो यूनिडायरेक्शनल नहीं हो सकती, इट शुड बी मल्टी डायरेक्शन और यू कैन से थ्री डायमेंशनल। सो उन्होंने क्या करा, इन्होंने थ्री डायमेंशनल में इंटेलिजेंस को डिवाइड करा, दैट इज योर कंटेंट, प्रोडक्ट एंड ऑपरेशन, राइट। कंटेंट में आपके पांच पार्ट हैं, प्रोडक्ट में भी आपके पार्ट पांच हैं एंड ऑपरेशन में आपके सिक्स पार्ट, राइट। उन्होंने क्या करा, इस सिक्स पार्ट में उन्होंने मेन जो डिफरेंस था या उन्होंने मेन जो चेंज करे वो क्या करा, उन्होंने मेमोरी को दो पार्ट में डिवाइडेड कर दिया, दैट इज मेमोरी रिटेंशन एंड मेमोरी रिकॉर्डिंग। सो एक बार देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या, इनके जो फैक्टर थे उनके सब फैक्टर वो एक बार हम दोबारा देख लेते हैं। सो पहला फैक्टर था इसका कॉग्निशन। कॉग्निशन दैट इज एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रिकॉग्नाइज थिंग। सो कॉग्निशन इज ए मेंटल प्रोसेस दैट इज गोइंग ऑन व्हेन यू परसीव एनीथिंग, ओके। व्हेन यू थिंकिंग अबाउट दैट थिंक द हाउ इट शुड रिएक्ट एंड हाउ इट शुड बी डन एंड ऑल द थिंग दैट इज गोइंग इन साइड योर ब्रेन, दैट इज ऑल कम्स इन टू योर कॉग्निशन प्रोसेस। सेकेंड आपका था मेमरी, दैट इज मेमरी वी फर्दर डिवाइडेड इन टू टू पार्ट, दैट इज मेमरी रिकॉर्डिंग एंड मेमरी रिटेंशन। सो वॉट डू मीन बाई मेमरी रिकॉर्डिंग? मेमरी रिकॉर्डिंग इज दैट वॉट इज रिकोगनाइज फॉर ए वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लाइक दे आर नॉट दे आर यू कैन से दीज आर द टेम्पररी मेमोरी, ओके। और यू कैन से द अदर नेम ऑफ द मेमोरी रिकॉर्डिंग इज योर शॉर्ट टर्म मेमोरी। नेक्स्ट मेमोरी, सेकेंड पार्ट इज मेमोरी रिटेंशन। सो वॉट इज रिटेंशन? रिटेंशन मीन्स यू कैन से कि द अमाउंट ऑफ नॉलेज दैट सबसाइड इन योर ब्रेन, दैट इज योर रिटेंशन। रिटेंशन ऑफ नॉलेज फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड योर मेमोरी रिटेंशन। वी कनेक्ट द मेमोरी रिटेंशन विद द लॉन्ग टर्म मेमोरी, राइट। थर्ड इज योर डाइवर्जेंट थिंकिंग। नाउ डाइवर्जेंट थिंकिंग इज सीकिंग आंसर ऑफ वन प्रॉब्लम विद द डिफरेंट डिफरेंट वे, राइट। अगर एक प्रॉब्लम का आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उसको सॉल्यूशन ढूंढते हो, डेट इज योर क्रिएटिविटी। और इसको हमने ज्वाइन किससे कराया, क्रिएटिविटी से, राइट। सीकिंग ऑफ द आंसर इन द डिफरेंट डिफरेंट वे और यू कैन से विद द वराइटी एंड नोवेल्टी। फोर्थ पॉइंट, कन्वर्जेंट थिंकिंग। वॉट डू यू मीन बाई कन्वर्जेंट थिंकिंग? कन्वर्जेंट थिंकिंग इज इन्फॉर्मेशन डेट वॉज कन्वेंशनली एक्सेप्टेड बाय द अस, राइट। वट एवर इन्फॉर्मेशन पास थ्रू द अवर जनरेशन वी एक्सेप्टेड इट, राइट, एंड इट डिटरमाइन अवर रेस्पॉन्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट, फिफ्थ पॉइंट इज योर इवेल्यूएशन। इवेल्यूएशन मीन्स कि वेदर द इन्फॉर्मेशन डेट वी गैदर इज राइट और रॉन्ग और रीचिंग ए डिसीजन और मेकिंग जजमेंट कंसर्निंग एंड क्राइटेरिया अबाउट द और यू कैन से सेटिस्फैक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन कि वेदर वॉट वी डिड और वॉट वी आर डूइंग इज राइट और रॉन्ग, राइट। तो दिस इज अवर इवेल्यूएशन। आई होप गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, राइट। सो द अदर पार्ट दैट इज प्रोडक्ट एंड कंटेंट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। इफ यू गाइज लाइक द वीडियो प्लीज गिव ए थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू मोर,
right? So we will see you next time. Till then, take care, keep smiling, keep gathering lots of memory, and have a great day. Thank you all of you.